Assalamualaikum students, how are you? I hope that you are all fine and good. As well as you know, I'm your English teacher and it's my YouTube channel. And today we will continue our grammar skill of class 6 and we will continue our lesson, unit number 2. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ग्रामर स्किल्स का, क्वांटिफायर्स. हमने कल इसकी एक्सरसाइज ए, बी और सी की थी. स्टूडेंट, अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले ऊपर डेट मेंशन करेंगे, 17 मार्च, और डे वेडनेसडे. अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे. रीड द पैसेज बिलो एंड सर्कल 8 क्वांटिफायर्स, देन अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट एस अबव द वर्ब इफ इट इज़ यूज इन द सिंगुलर एंड राइट बी अबव इफ इट इज़ यूज इन द प्लूरल. आपने जो है इसमें से 8 क्वांटिफायर्स जो हैं उनको सर्कल करना है, और वर्ब जो है अगर सिंगुलर है तो उसके ऊपर एस यूज़ करना है, और अगर प्लूरल है तो पी. सम टाइम इट सीज एज इफ एवरी रोड इन माई एरिया इज़ अंडर रिपेयर. इसमें जो है एवरी हमारा क्वांटिफायर है और इज़ जो है ये सिंगुलर है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे एस, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है. माई एरिया इज़ अंडर रिपेयर, माई एरिया एक एरिया की बात हो रही है, सो इज़ इज सिंगुलर. ईच डे ब्रिंग्स विद इट अ न्यू डिटोर. इस लाइन में ईच जो है वो हमारा क्वांटिफायर है, उसको हम सर्कल करेंगे, और ब्रिंग्स जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि ईच डे ब्रिंग्स विद इट अ न्यू डिटोर. ब्रिंग्स सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे हर दिन की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं हो रही है. इनफैक्ट बोथ रोड्स लीडिंग टू माई हाउस आर. बोथ जो है वो हमारा क्वांटिफायर है और आर प्लूरल है. करंटली हैविंग ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल्ड एंड आई हैव बीन टोल्ड दैट एंड अदर और फ्यू दोनों हमारे क्वांटिफायर्स है, और हैव जो है वो प्लूरल है. आर इसलिए प्लूरल है क्योंकि ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है, और इस तरह हैव भी जो है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये प्लूरल है. Roads are closed by R to be resurfaced to. R जो है ये हमारा plural है, इसको हम underline करेंगे. It seems that every person in the area has been inconvenienced. इसमें every जो है उसको हम circle करेंगे, हमारा quantifier है, और has जो है वो singular है, क्योंकि ये जो has जो है वो singular के लिए use होता है. However, both cards at the bank in the locality. इस लाइन के अंदर बोथ जो है वो हमारा क्वांटिफायर है. से दैट ऑल ट्रैफिक लाइट्स आर गोइंग टू बी ऑपरेशनल इन अ डे और टू. आर जो है वो प्लूरल है क्योंकि ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. ऑल जो है ये हमारा क्वांटिफायर, और से जो है वो प्लूरल है, क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो इस यहाँ पे सेज होता, इसलिए यहाँ पे जो से है इसलिए ये प्लूरल है. Happy to say that all traffic is now to be delivered back to the main road. All जो है ये हमारा क्वांटिफायर है, और इस जो है ये हमारा सिंगुलर है. तो हमारी जो है वो एक्सरसाइज डी कंप्लीट हुई. अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट है पेज नंबर 9. Uncountable nouns are not used with the indefinite article a or an. They may be preceded by quantifiers such as some, any, no, or a little. Quantifiers may consist of more than one word, as in प्लीज़ पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब जो है वो अनकाउंटेबल नाउन जो है उनके साथ आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स के साथ आप अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ए और एन के साथ जो है वो आप अनकाउंटेबल को यूज़ नहीं कर सकते. उसकी जगह आप जो है वो सम, एनी, नो और लिटल को यूज़ कर सकते हैं. क्वांटिफायर्स में कंसिस्ट मोर देन वन. क्वांटिफायर जो है वो एक से ज़्यादा लफ्ज पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, जैसे कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं. कंप्लीट द रिकॉर्ड बिलो Using suitable quantifiers from the box. हम लोगों ने, हमें box के अंदर ये option दिए हुए हैं, हमने इसमें से suitable quantifier के साथ इन blanks को fill up करना है. The first one is, mother had a disastrous day yesterday. While taking a shower, she slipped on dash soap, which caused her shampoo bottle to fly out of her hand. It hit the window and cracked dash glass. My mother had a disastrous day. While taking a shower, she slipped on a cake of soap, which caused her shampoo bottle to fly out of her hand. It hit the window and cracked dash glass, a pane of glass. She applied dash ointment on her injured leg and limped painfully downstairs for breakfast. यहाँ पे आएगा सम. She applied some ऑइंटमेंट, क्योंकि उसने कुछ जो है वो मरहम को अपने जख्मी टांग के ऊपर लगाया था.
The other members of the family had already eaten, and all that was left comprised dash jam and dash bread. The other members of the family had already eaten, कुछ खानदान के लोग जो पहले से खा चुके थे, and all that was left comprised a little jam and a slice of bread. There was dash cereal or butter, although there were dash juice of the carton and about dash and dash sugar at the bottom of sugar bowl. तो यहाँ पे होगा number 6 पे no cereal or butter. There was no cereal or butter. कोई भी वहाँ पे जो है वो butter और cereal नहीं था. Although there were dash juice in the carton. A few drops of juice के जो वो कुछ कतरे थे carton में. A cup of milk and dash a few grains of sugar at the bottom of the sugar bowl. जो है कप था दूध का और कुछ अनाज था या कुछ जो है वो चीनी के दाने थे चीनी के बाउल में. Feeling very hungry, my mother dressed to go shopping, but then remembered she did not have much money, just a few dollars. However, this was enough to buy a few items she needed for the morning. अब इसमें जो है नंबर 10 में मनी के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे हम लोगों ने मच यूज़ किया है. Feeling very hungry, my mother dressed to go shopping, but she remembered she did not have much money. उनको याद है कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं. Just a few dollars. However, this was enough to buy few items she needed for the morning. She took a piece of paper and wrote a shopping list. उन्होंने कागज़ का टुकड़ा उठाया और जो है वो सारी shopping list बनाई. I can buy a packet of biscuits for morning tea, dash sugar and dash butter. I can buy a packet of biscuits for morning tea. सुबह की चाय के लिए जो है वो बिस्किट का पैकेट खरीद सकती हूँ. A bag of sugar and a block of butter. She thought, I will do more shopping this evening with the family. We can have dinner at a restaurant afterwards. Third blank में आएगा a bag of, एक जो है वो चीनी का थैला, and a block of butter. She thought, और butter का जो है वो एक block उन्होंने खरीदना था. I will do more shopping this evening with the family. We can have dinner at a restaurant afterwards. तो हम लोगों ने जो है वो इन क्वांटिफायर्स की मदद से इस अपने इस जो है वो पैराग्राफ को कंप्लीट किया है, इन ब्लैंक्स को कंप्लीट किया है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन. तो इसके साथ ही हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यूनिट नंबर 2 क्वांटिफायर्स. और आज हमने इसकी दो एक्सरसाइजेज की, एक्सरसाइज ई और डी, और हम लोगों की यूनिट की तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट हैं. आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने रजिस्टर्स पर और बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछ कोई मसला है, किसी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.